10 किलो की जो पैकिंग है वो आप एक एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल आप बुआई के समय भी कर सकते हैं और बुआई के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप DAP इस्तेमाल करते हैं तो आप DAP को आधा कर सकते हैं, और आधे DAP की जगह आप अपने यहाँ पर सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, आजकल मार्केट में बहुत सारी खाद उपलब्ध है, जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं जाइम बहुत सारी उपलब्ध है, बहुत सारी टोनिक उपलब्ध है, और किसान अपने खेतों के अंदर अलग अलग प्रकार के खाद उपयोग करता है, जिस प्रकार से यूरिया का अधिक इस्तेमाल करता है, DAP का इस्तेमाल करता है, पोटास का इस्तेमाल करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल किसान साथी अपने खेतों के अंदर करते हैं, परंतु उनका जो उत्पादन है वो मन मुताबिक उनके बढ़ता नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने खर्चा किया अपने खेतों में उस हिसाब से उनका उत्पादन नहीं बढ़ता, जबकि जो खर्चा है वो लगातार बढ़ रहा है। तो किसान साथियों, आज इसी बारे में अपन बात करेंगे कि किसान साथी अपना खर्चा कम करके किस प्रकार से उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और जो अपनी रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, DAP इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्य प्रकार की जो रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वजह से जो धरती की जो उत्पादक क्षमता है वो कम हो रही है, और उसको भी किस प्रकार से किसान साथी बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, आजकल शुरू करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप मेरे पास दो उत्पाद देख सकते हैं साथियों, एक तो सागरिका लिक्विड में है, और दूसरा मेरे पास, ये मैं उठा नहीं सकता, वजन है इसमें, ये सागरिका दानेदार फॉर्म में आता है। ये दोनों एक ही अपन मान सकते हैं, दोनों ही सीवीड एक्सटेंट है, मतलब जो समुद्री शैवाल होते हैं, जो लाल भूरे शैवाल होते हैं, उनके रस से इसको, इनके अरक से इनको बनाया गया है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं साथियों। जो सागरिका लिक्विड में फॉर्म में आप मेरे पास देख सकते हैं, ये सीवीड एक्सटेंट है, जो समुद्र के अंदर जो आप शैवाल देखते हैं, लाल भूरे शैवाल है, उनके अरक से इसको बनाया गया है। इसके अंदर काफ़ी मात्रा में हार्मोन्स उपलब्ध है, जैसी प्रकार से जिब्रेलिक आता है, ऑक्जीन आता है, साइटोकाइनिन आते हैं, जो कि पौधे की वृद्धि के साथ साथ उसकी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। जिस प्रकार से मैं किसान साथियों आपको बताऊं क्या होता है, जब पौधा होता है, जब उसको अपने बीज को लगाते हैं, और उसके बाद बीज जर्मिनेट होता है, मतलब अंकुरित होता है, और उसके बाद उसकी बढ़वार होती है, उसकी वृद्धि होती है, उसमें पत्ते बनते हैं, कल्ले बनते हैं, शाखाएँ बनती हैं, फिर उसके बाद टहनियाँ बनती है, फिर उसमें फूल खिलता है, फूल से फल बनता है, और फल के अंदर अपने को बीज देखने को मिलता है। तो बीज से बीज तक का जो सफर होता है, उसके अंदर लगभग 17 से 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ पोषक तत्व है, हवा है, जमीन है, या फिर जल है, उससे उसको मिल जाते हैं, और कुछ पोषक तत्व है जैसे वातावरण से मिलते हैं, जिस प्रकार से नाइट्रोजन मिल जाता है, या फिर अपनी यूरिया डाल के देते हैं, या फिर DAP डाल के फॉस्फोरस दे देते हैं, या फिर गोबर की खाद डाल के 3-4 पोषक तत्व उसको दे देते हैं अपन। परंतु जो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को जरूरत होते हैं, मतलब उसकी जो बढ़वार के लिए, उसके उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, जो अपन उसको दे ही नहीं पाते। परंतु आजकल कुछ मात्रा में किसान साथी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व इस्तेमाल करने लगे हैं, जिस प्रकार से सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ किसान साथी मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आगे किसान साथी आजकल, कि आज का जो किसान है वो बड़ा नहीं है, ना ही वो मोलिब्डेनम इस्तेमाल करता है, कुछ किसान साथी बोरोन का इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे पोषक तत्वों की जो फसल है उसको आवश्यकता होती है, परंतु किसान साथी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हो सकता है अज्ञानता की वजह से नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको मिलता नहीं है, और वो सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और DAP का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ तक जो उनका इस्तेमाल का तरीका वो ख़त्म हो जाता है। परंतु किसान साथियों, जो पौधा होता है उसकी बढ़वार के लिए मैंने बताया था कि आपको 17 से 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो बाकी के पोषक तत्व किसान कहाँ से दे, और जो पोषक तत्व किसान ने डाले हैं और उससे जो भूमि की उत्पादक क्षमता घटी है उसको किस प्रकार से रिकवर कर सकता है। तो मेरे पास जो आप सागरिका देख सकते हैं लिक्विड में और दानेदार में, दोनों सेम है, दोनों के अंदर सीवीड एक्सटेंट है, दोनों के अंदर जो समुद्री शैवालों का जो रस होता है उसकी मात्रा डाली गई है। परंतु साथियों, जो सागरिका लिक्विड है, इसका इस्तेमाल का तरीका थोड़ा सा अलग है। साथियों, अब बात करते हैं, जो सागरिका लिक्विड मेरे पास 1 लीटर की पैकिंग है, इसका इस्तेमाल साथी किसान साथी है वो किस प्रकार से अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल का तरीका मैं बताऊं तो आप इसका इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। दूसरी बात, आप इसका इस्तेमाल ड्रिप विधि के माध्यम से, ड्रिंचिंग में कर सकते हैं, या ड्रिप की विधि के माध्यम से सिंचाई के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसका इस्तेमाल जो कैरी विधि के साथ जो किसान साथी अपने यहाँ खेती करते हैं उसमें कर सकते हैं, या फिर फुहारे सिंचाई करते हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु बेहतरीन परिणाम के लिए आप इसका इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से करें। अगर स्प्रे की मात्रा की बात करें तो 4 ml प्रति लीटर में आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना है। तो जो आपकी पीठ वाली जो टंकी आती है, मतलब जो ढोलकी बोलते हैं अपन इसको, उसमें आप लगभग 60 से 75 ml आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम में। और आप इसका इस्तेमाल
फसल की सभी अवस्थाओं में कर सकते हैं। शुरुआती अवस्थाओं में करना, जब पत्ते पूरी तरह खिले नहीं है, उस समय आप ड्रिप में कर सकते हैं, सिंचाई के माध्यम से कर सकते हैं। और जब आपकी फसल 30 से 40 दिन की हो जाए, उस समय आप इसका इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे परिणाम सागरिका लिक्विड के माध्यम से देखने को मिलेंगे। और इस ये पूर्णतः जैविक उत्पाद है, मतलब ये पूरी तरह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। आप इसका इस्तेमाल अपने यहाँ जो किचन गार्डनिंग करते हैं कई किसान साथी, या कई जो साथी है जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से बात को सुन रहे हैं, जो अपने यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाते हैं, वो भी अपने यहाँ पर सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरी तरह जैविक उत्पाद है, जो कि समुद्री जो लाल भूरे शैवाल है उससे बनाया गया है। और ये पूरी तरह जैविक होने के कारण किसान साथी इसका इस्तेमाल, जो जैविक खेती करते हैं, जैविक फार्मिंग करते हैं, वो भी अपने यहाँ पर इसका इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से करेंगे तो रिजल्ट उन्हें बेहतरीन मिलेगा। अगर एकड़ की बात करें तो आप 250 से 300 ml या फिर 300 ml से 500 ml तक आप अपने खेतों में प्रति एकड़ आप इसका इस्तेमाल अपने आप सिंचाई के माध्यम से कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये सागरिका लिक्विड की बात हो गई साथियों। अगर आपका इसके बारे में कोई और सवाल हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों सागरिका दानेदार, जो आप मेरे पास देख सकते हैं, सागरिका दानेदार जो कि 10 किलो का बैग है। तो इसकी कीमत की अगर बात करें तो ये इससे काफ़ी सस्ता रहने वाला, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो 450 रुपये प्रति 10 किलो की है। और ये 10 किलो की जो पैकिंग है वो आप एक एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप बुआई के समय भी कर सकते हैं और बुआई के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप DAP इस्तेमाल करते हैं तो आप DAP को आधा कर सकते हैं, और आधे DAP की जगह आप अपने यहाँ पर सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उत्पाद है। ये जो अपने सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं उसकी जगह आप इसका इस्तेमाल अपने यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट की जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर उम्मी की सीड आता है, फूलवी की सीड आता है, जो कि पौधे की वृद्धि के साथ साथ जड़ों की वृद्धि करता है। और इसी के साथ जो पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति सागरिका दानेदार कर सकता है। और इसी के साथ अगर बुआई के समय कर रहे हैं तो आप DAP के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज बुआई से पहले आप इसका इस्तेमाल अपने यहाँ पर कर सकते हैं, और उसके बाद अच्छी तरह खेत को तैयार करके अपने यहाँ पर बीजों की बुआई करनी है। और अगर बात करें आप इसका इस्तेमाल बुआई के बाद करना चाहते हैं, तो पहली, दूसरी या तीसरी सिंचाई के समय आप इसका इस्तेमाल 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे बीघा की बात करें तो 2 से 2.5 किलो आपको कच्चे बीघा में सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करना है। और आप इसका इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो मूंगफली हो, सब्जी वर्गीय फसलें हो, या अनाज वाली फसलें हो, या तेल वाली फसलें हो, सभी प्रकार की फसलों में आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल अपने यहाँ पर कर सकते हैं। और साथियों अगर इसकी जो कीमत की बात करें, मेरे हिसाब से अगर ऐसा उत्पाद अन्य कोई कंपनी का होता है, ये IFFCO है जो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करती है, किसानों के लिए अच्छी रेट और क्वालिटी में उत्पादों को उपलब्ध करवाती है। अगर इसी मेरे हिसाब से ऐसी क्वालिटी की इसी और अन्य कंपनियों का होता तो मेरे हिसाब से इसकी कीमत लगभग 700 से 800 रुपए प्रति बैग की होती, परंतु ये IFFCO का होने की वजह से इसकी जो कीमत है वो सिर्फ 450 रुपए आपको देखने को मिलती है। किसानों को 450 रुपए में ये अवेलेबल हो जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई आपका सवाल हो या कोई क्यूरी हो आप, तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।